गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजीव रंजन, आई एम पेडियाट्रिशियन एट नोएडा। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात किया था, आज उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर लगता है, अगर लगता है कि उसके साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है जिनसे आप मदद ले सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप अपने पेडियाट्रिशियन से विस्तृत रूप में बात करें और वो आपको रेफर करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से। अब अगला प्रश्न उठता है कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आखिर करते क्या है आपके बच्चे के साथ। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का जो रोल होता है, दे हेल्प टू इम्प्रूव द बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज इन योर चाइल्ड। वो आपको मदद करते हैं इन दोनों ही चीज़ों में, साथ में वो एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी समझाने में मदद करते हैं उस खास बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का सहयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको एक काउंसलिंग करेंगे पहले, जिसमें आपको ये बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं और उसको कैसे फॉरवर्ड लेके जाएंगे। इसके साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपके बच्चे के डेवलपमेंट और बिहेवियर का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कभी कभी उन्हें किसी टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। और इस दौरान वो आपके पेडियाट्रिशियन से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। वो हर असेसमेंट के बाद आपके डॉक्टर को बताते हैं कि हमने इस बच्चे में पाया है, और वो फीडबैक लेते हैं, क्योंकि सारी वैक्सीनेशन पेडियाट्रिशियन के पास होती है। तो वो बताते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट दे आर टेकिंग अप। ये दोनों ही चीज़ें साथ में साथ होती है। अगर हम बात करें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की, तो साथ में आपके बच्चे के सोशल और सोसाइटी में कैसे बच्चे परफॉर्म करें, उनको क्या क्या दिक्कत आती है, लैंग्वेज, स्पीच, कम्युनिकेशन विथ अदर पीपल, ये सारी चीज़ों पे मेहनत करते हैं। इसके साथ उनका एक बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है, बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, बच्चे के मोरल को बढ़ाना। आप चाइल्ड साइकोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ होती है मानसिक सोच, और वो तभी सही हो सकती जब सामने वाला आपके प्रति सकारात्मक हो। और मैं मानता हूँ कि अगर हम लोग सही समय पर इसे चिन्हित कर लें और सही जगह पे जाए, जहाँ पे आपको एक टीम मदद करे, जिसमें आपके पेडियाट्रिशियन, आपके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो, एक कोई समस्या नहीं है। और आप अगर उठाकर देखें, हमारे जितने सफल अभिनेता हैं या देश में जितने लोगों ने नाम किया है, उसके जब आप बचपन के बैकग्राउंड में जाएंगे, बहुत तरह की विषम परिस्थितियों से वो ऊपर उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी सफलता निश्चित है, मेहनत अलग अलग हो सकता है, गिवन सर्कमस्टेंसेज में क्या क्या चाहिए ये तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। अपने निदान मदर एंड चाइल्ड केयर में हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम बच्चे के समुचित विकास पे ध्यान दें। जब आप हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, तो हम इन सभी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि बच्चे का स्पीच पे कितना मेहनत करना है, कब हमें उन्हें टॉयलेट ट्रेन करना है, कब उनको हमें स्पीच के वर्ड सेंटेंसेस फॉर्म करवाने हैं, और क्या कोई डेवलपमेंट डिले है क्या। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें आपका सहयोग भी चाहिए। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।